कोरोना में जब दुनिया घरों में कैद थी, उस वक्त वेब सीरीज का चलन तेजी से बढ़ा है। नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, अमेजॉन प्राइम जैसे प्लेटफॉर्म में तेजी से यूजर्स बढ़े हैं और अलग अलग शो के लिए जबरदस्त दीवानगी है। ऐसे ही नेटफ्लिक्स के बेहद पॉपुलर शो मनी हाइस्ट के लिए भी देखी जा रही है। जयपुर की एक कंपनी ने तो इस वेब सीरीज के पांचवें पार्ट को देखने के लिए ऑफिस में छुट्टी ही कर दी। वर्व लॉजिक नाम की इस कंपनी ने छुट्टी के दिन को नाम दिया है नेटफ्लिक्स एंड चिल। काफी टाइम हो गया हमें काम करते हुए, मतलब कि इन टर्म्स ऑफ 2 साल हो गए कंटिन्यूस वर्क कर रहे हैं। हमने बहुत काम किया, पूरी टीम ने खूब मन से काम किया, लेकिन हमें फ्रीडम नहीं मिली। छोटे छोटे इवेंट्स तो होते रहते हैं लेकिन कुछ डिफरेंट नहीं हो रहा था, तो हमने सोचा कि हाँ, लेट्स गो विद द टीवी सीरीज व्हिच इज कमिंग ऑन 3rd September। ये शो का लास्ट सीजन बताया जा रहा है, जिसके कारण फैंस में दिलचस्पी बढ़ी हुई है। भारत ही नहीं, दुनिया भर में मनी हाइस्ट के फैंस बताए जाते हैं। ओरिजिनली स्पेनिश है ये टीवी शो और ओरिजिनल नाम है ला कासा दे पापेल, जिसे हिंदी समेत अलग अलग भाषाओं में नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है। शो में सस्पेंस बनाए रखने के लिए ऐसा बताया जाता है कि हर कैरेक्टर को एक एपिसोड की अपनी ही स्क्रिप्ट दी जाती है, जिससे उसे दूसरे कैरेक्टर का पता नहीं चल पाता। स्टोरी लाइन की बात करें तो जैसा कि नाम से पता चलता है कि हाइस्ट यानी डकैती पर बेस्ड ये फिल्म है, जिसमें खुद को प्रोफेसर कहने वाला एक शख्स कुछ युवाओं को हाइस्ट के लिए रिक्रूट करता है। अब ये हाइस्ट कैसे होती है और पुलिस के साथ कैसे इन लोगों का आमना सामना होता है, यही शो में दिखाया गया है। शो का ये मास्क भी काफी पॉपुलर है।